हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल यस अर्ली क्लासेस। लास्ट क्लास में आपने देखा था, हमने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था इनकम टैक्स का। आज उसी को आगे लेकर चल रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा कल का रिकैप कर दूं कि कल हमने असेसमेंट ईयर ऑफ प्रीवियस ईयर के बारे में पढ़ा था। ओके, तो आज हम उसको आगे कंटिन्यू करके चलेंगे। आपने प्रीवियस ईयर को देखा था कि प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिसमें असेसी इनकम को अर्न करता है, और वो प्रीवियस ईयर हमारा 12 महीने से कम भी हो सकता है। ओके, और जिस साल एसएससी टैक्स पे करे वो साल कौन सा होता है? असेसमेंट ईयर। बट प्रीवियस ईयर की कुछ एक्सेप्शन है जिनको हमें आज पढ़ना है कि जिस साल इनकम कमाई, तो इनकम किस साल कमाई जाती है? प्रीवियस ईयर में, तो उसका टैक्स भी सेम प्रीवियस ईयर में आपको पे करना होगा। ये कहलाते हैं एक्सेप्शंस ऑफ प्रीवियस ईयर। ओके, तो देखिएगा सबसे पहली एक्सेप्शन कौन सी है। इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट एंगेज्ड इन शिपिंग बिजनेस। कोई पर्सन है जो नॉन रेजिडेंट है बट वो इंडियन पोर्ट को यूज करता है और वहां से लाइव स्टॉक या गुड्स कहां लेकर आता है? इंडियन सी पोर्ट से इंडिया में लेकर आता है, इंडियन सी पोर्ट को यूज करता है, तो उस वो आया जिस साल उसी साल हम उसे क्या ले लेंगे? टैक्स भी वसूल कर लेंगे, उस साल हम उसे टैक्स ले लेंगे। क्या पता आने वाले असेसमेंट ईयर में वो इंडिया वापस आए या ना आए, तो इसके लिए सेक्शन रखा है हमारा सेक्शन 172। नेक्स्ट है हमारा इनकम ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल फॉर्म फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस सेक्शन 174A। मतलब एओपी बीओआई के बारे में कल हमने डिस्कस कर लिया था। अगर कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन है या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, वो क्या है? वो सिर्फ एक स्पेसिफिक इवेंट के लिए। फॉर एग्जांपल, मैंने अपने दोस्त के साथ कोई जॉइंट वेंचर किया कि हमें एक पुल बनाना है, एक पुल कंस्ट्रक्ट करना है, तो मैंने अपने दोस्त के साथ क्या कर ली? पार्टनरशिप कर ली। तो वो पार्टनरशिप एक लिमिटेड टाइम के लिए थी, जब तक वो ब्रिज कंप्लीट हो जाएगा तो हमारी पार्टनरशिप कंप्लीट हो जाएगी, पार्टनरशिप क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो हमने इनकम को अर्न किया था किस ईयर में? प्रीवियस ईयर में, तो उसका टैक्स हमें कब पे करना पड़ेगा? असेसमेंट ईयर में। बट असेसमेंट ईयर आते आते हमारे पास वो बिजनेस जो हम कर रहे थे वो तो है ही नहीं, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने क्या कहा, हम आपसे टैक्स भी कब ले लेंगे? प्रीवियस ईयर में आपसे टैक्स ले लेंगे। ओके, नेक्स्ट है इनकम ऑफ पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली सेक्शन 174। कोई पर्सन ने वो इंडिया हमेशा के लिए छोड़कर जाना चाहता है, अब उसका इंतजार तो नहीं किया जाएगा कि वो असेसमेंट ईयर में टैक्स पे करे, असेसमेंट ईयर आते आते वो इंडिया में क्या पता रहे ही ना, तो हम क्या कर लेंगे? टैक्स उससे कब ले लेंगे? प्रीवियस ईयर में ही ले लेंगे। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स सेक्शन 175। कि कोई पर्सन है, कोई इंडिविजुअल है, वो अपनी प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है? बेच रहा है, डिस्पोज कर रहा है। किस चीज से बचने के लिए? टैक्स को अवॉइड करना चाह रहा है, तो टैक्स को अवॉइड करना चाह रहा है। तो हमारा मेन मतलब क्या था कि हम प्रीवियस ईयर वाली इनकम को टैक्स कब कहां करेंगे? असेसमेंट ईयर में। ओके, और असेसमेंट ईयर आते आते वो प्रॉपर्टी उस इंडिविजुअल के पास है ही नहीं, तो हम उसका टैक्स उससे कब ले लेंगे? प्रीवियस ईयर में ले लेंगे। ओके, नेक्स्ट है डिसकंटिन्यूअस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। कोई असेसी, कोई इंडिविजुअल अपना बिजनेस कैरी कर रहा था, कोई प्रोफेशन कैरी आउट कर रहा था, अब वो उसको क्या करना चाहता है? डिसकंटिन्यू, उसको खत्म करना चाहता है। ओके, तो अब वो खत्म करना चाहता है, तो इसका मतलब उसने इनकम को कमा लिया कौन से ईयर में? प्रीवियस ईयर में। देन ही इज लायबल टू पे टैक्स ऑन इनकम इन असेसमेंट ईयर, बट असेसमेंट ईयर आते आते ना वो बिजनेस रहा और ना वो प्रोफेशन रहा, तो क्या करेगा? आपसे डिपार्टमेंट क्या कर लेगा? आपसे पैसा कब ले लेगा? प्रीवियस ईयर में ही ले लेगा। देखिए नेक्स्ट आज हमें सीखना है रेट ऑफ टैक्स। देखिए रेट ऑफ टैक्स की कैसे कैसे किसकी कंपोजिशन होती है, तो डिपार्टमेंट ने, सीबीडीटी ने, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ने क्या कर रखे हैं, कुछ रेट्स बना रखे, स्लैब रेट्स बना रखे हैं एज वाइज, कि कोई 60 इयर्स तक है तो उसके लिए क्या टैक्स रेट रहेगा, 60 से अबव है और अप टू 80 है तो उसके लिए क्या स्लैब रेट है, और जो अबव 80 है उसके लिए क्या स्लैब रेट है। तो अभी हम सीख रहे हैं जो 60 साल से कम है उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या टैक्स रेट रखा है। ओके, तो अगर कोई इंडिविजुअल जिसकी एज 60 से कम है उसकी 2.5 लाख तक की इनकम क्या है? एग्जेम्प्ट है फ्रॉम टैक्स। मतलब ही इज नॉट लायबल टू पे एनी काइंड ऑफ टैक्स इफ हिज इनकम डज नॉट एक्सीड ₹250,000। अगर 2,50,000 से अगर उसकी इनकम एक्सीड नहीं होती तो उसको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं। ओके, अगर उसकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा अप टू, इसको हम 2.5 लाख से ज्यादा अप टू 5 लाख तक है, तो उसको टैक्स रेट देना होगा 5%। कितना टैक्स रेट देना होगा? 5%। अगर उसकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है अप टू 10 लाख, 10 लाख तक अगर उसकी इनकम है, देन ही इज लायबल टू पे टैक्स एट द रेट 20%। ओके, नेक्स्ट इसके लिए अबव 10 लाख, अबव ₹10 लाख,
अगर 10 लाख से अगर उसकी इनकम एक्सीड करती है तो फ्लैट रेट कितना लगेगा, दैट इज 30%। ओके, इसके साथ कुछ नमक मिर्च मसाला भी लगता है जिसको हम सेस बोलते हैं। ओके, उसकी बात अभी कर लेंगे बाद में। सेस होता है टैक्स ऑन टैक्स, अभी इसको याद रखिएगा, इस पे बाद में जिक्र होगा इसका, टैक्स ऑन टैक्स। ओके, नेक्स्ट है, अगर कोई पर्सन अबव 60 है, अबव 60 बट ब्लो 80 इयर्स, ब्लो 80 इयर्स 60 साल से ज्यादा है बट 80 साल से क्या है वो कम, तो उसके लिए स्लैब रेट क्या लगेगा, उसकी इनकम को हमने देखा कि उसकी इनकम को 3 लाख तक डिपार्टमेंट ने क्या किया है, एग्जम्प्ट किया। ओके, देन अगर 3 लाख से अगर उसकी इनकम ज्यादा होती है और कहां तक जाती है 5 लाख, तो उसको टैक्स रेट देना होगा एट द रेट 5%। नेक्स्ट, अगर अबव 5 लाख है, अबव रुपीस 5 लाख अप टू रुपीस 10 लाख, तो उसको टैक्स रेट देना होगा 20%। ठीक है, नेक्स्ट, अगर उसकी इनकम अबव रुपीस 10 लाख है तो उसको टैक्स रेट देना होगा एट द रेट 30%। ये थी उसकी जिसकी एज 60 से ज्यादा है और कहां तक है उसकी एज 80 इयर्स तक। ठीक है, नेक्स्ट है, कोई अगर above 80 years old, above 80 years old, इसको हम बोलते हैं super senior citizen, इसको हम बोलते थे senior citizen। ओके, तो इसकी taxability कैसे होगी, अगर इसकी income rupees 5 lakh तक है तो then इसकी सारी के सारी income क्या है, exempt। ओके, next, from 5 lakh to 10 लाख, अगर 5 लाख से ज्यादा और 10 लाख तक इसकी इनकम है तो इसका रेट 20%। नेक्स्ट, अगर इसकी इनकम अबव रुपीस 10 लाख है तो इसको कितना परसेंट देना होगा, 30%। अब आप देखिए इस 80 इयर्स वाले के लिए यहां पर 5% का कोई स्लैब नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी इनकम 5 लाख तक क्या थी, एग्जेम्प्ट थी, और बाकी सबका अगर आप देखें 5 लाख तक कितना परसेंट है, 5%, 5 लाख तक कितना है, 5%। ओके, और अगर किसी पर्सन की इनकम अप टू रुपीस 350,000 होती है, then he is entitled to get rebate under rule 87A of rupees 2500। अगर किसी पर्सन की इनकम, किसी इंडिविजुअल की इनकम अगर 3.5 लाख तक है, उस केस में क्या है, वो रिबेट के लिए क्या है, एलिजिबल है, और रिबेट कितनी मिलेगी, 2500। अब देखिए ना, रिबेट की कैलकुलेशन कैसे करते हैं एक बार उसको समझ लीजिएगा, और मैं अभी बात कर रहा था सेस, तो सेस हमारा 3%, सेस हमारा क्या होता है 3%, इसमें कुछ पार्ट होता है एसएचईसी सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस और दूसरा पार्ट होता है एजुकेशन सेस। ओके, तो देखिए ना, छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं मिस्टर एक्स हैं, उनकी इनकम 340,000 है, उनकी इनकम कितनी 340,000, कंप्यूट हिज टैक्स लायबिलिटी, उनकी हमें टैक्स लायबिलिटी निकालनी, और मान लेते हैं अज्यूम कर लेते हैं ये 58 इयर्स ओल्ड है, तो 58 इयर्स ओल्ड है तो इसका मतलब ये कहां पर कवर होंगे कि इनकी एज 60 साल से कम है। ओके, तो देखिएगा कंपटीशन कैसे करेंगे, 2.5 लाख तक इनकी इनकम क्या है, एग्जेम्प्ट है, तो 340,000 में से 2.5 लाख एग्जेम्प्ट हो गए, तो उनका टैक्सेबल अमाउंट कितना हुआ, टैक्सेबल अमाउंट कितना हुआ, 90,000। और अभी अभी हमने देखा था कि जिस पर्सन की इनकम 3.5 लाख तक है तो उसको क्या मिलता है, रूल 87A में डिडक्शन मिलती है, इसकी रिबेट कितनी, 2500। ओके, तो सबसे पहले चेक करिए क्या मिस्टर एक्स एलिजिबल है रिबेट के लिए, यस, इनकी इनकम कितनी, 340,000, तो 2.5 लाख तक इनकी इनकम क्या है, एग्जेम्प्ट, उनका टैक्सेबल इनकम कितनी होगी, 90,000, और ये किस स्लैब में कवर अप होते हैं, क्योंकि 2.5 लाख तक तो इनकी इनकम एग्जेम्प्ट है, तो 2.5 लाख से 5 लाख तक कितना परसेंट टैक्स रेट लगता है, 5%, तो इनकी इनकम पे कितना इनकम टैक्स लगेगा, 90,000 पे कितना, 5%, 9545, 4500 इनका टैक्स निकल गया, और इस टैक्स पर इन्हें क्या मिल जाएगी, रिबेट मिल जाएगी अंडर रूल 87A कितने की, 2500। ओके, तो ये आ गई इनकी अभी टैक्स लायबिलिटी, और फिर इसके ऊपर से हमें क्या देना होता था, सेस, कितना परसेंट का था सेस, 3%, तो 2000 का 3% कितना होता है, 60,
तो इस मिस्टर एक्स की टैक्स लायबिलिटी कितनी बनी? 2060 एनडी का है टैक्स लायबिलिटी। यही आपको कैलकुलेट करना था कि मिस्टर एक्स की टैक्स लायबिलिटी क्या है। आई होप आपको इस एग्जांपल से समझ में आया हो।